बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम दी नेशनल स्कूल एम एजुकेशन, और आज हम लोग अपने साइंस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके वन क्लास, अब हमारी रीडिंग मुकम्मल हो गई है। रीडिंग मुकम्मल करने के बाद भला हम क्या करते हैं? वर्ड मीनिंग्स। तो आप सब लोगों ने जल्दी से इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, जाकर आप लोग अपनी पेंसिल, रबर और शार्पनर लेके आएँ और अपनी साइंस की नोटबुक लेके आएँ, और हम लोग अब साइंस का काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी से ले आएँ। ओके, उसके बाद अब हम लिखना शुरू करेंगे। लिखना शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्लास वर्क। तो सबसे पहले आप लोग भी क्लास वर्क लिखेंगे, लेकिन क्लास वर्क के आगे नंबर नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्लास वर्क लिखना है। ठीक है, क्लास वर्क लिखने के बाद आपने अपनी डे डेट भी लगानी है। अब डे डेट आप लोग कैसे लगाते थे? जैसे पहले लगाते हैं वैसे ही यहाँ पर आप लोगों ने डेट लिख देनी है, यहाँ पर आप लोगों ने डे लिख देना है। ये काम करने के बाद भला हम क्या करते थे? यूनिट का नेम लिखते थे। तो यहाँ पर हम यूनिट का नेम लिखेंगे, यू एन आई टी, यूनिट नंबर। कौन सा यूनिट नंबर है हमारा? टू। यूनिट नंबर टू लिखेंगे। इसके नीचे वाली लाइन पे भला हम क्या लिखते होते हैं? यूनिट का नाम। तो यूनिट का नाम क्या है? एनिमल्स, ए एन आई एम ए एल एस, एनिमल्स। ये लिखने के बाद हम क्या करते होते हैं? एक साइड पे क्या लिखते हैं? वर्ड्स, W O R D S, वर्ड्स। इसके बाद हम क्या लिखते होते हैं? मीनिंग्स, M E A N I N G S, मीनिंग्स। यहाँ तक लिखने के बाद सब लोगों ने क्या करना है? स्केल लेना है, स्केल से एक प्यारी सी लाइन लगानी है दरमियान में। ठीक है, लाइन लगाने के बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर नंबर डालते हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। नंबर्स लगा लिए सबने। नंबर्स लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अपना पहला वर्ड लिखेंगे। हमारा पहला वर्ड क्या है? इंसेक्ट्स। क्या वर्ड है? इंसेक्ट्स, आई, प्यारा प्यारा सबने लिखना है, किसने भी गंदा गंदा करके नहीं लिखना, एन एस ई सी टी एस, इंसेक्ट्स। हमारा पहला वर्ड है इंसेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? हशरात, हे शीन रे, शीन के नुक्ते, अलिफ और ते। तो ये क्या बन गया? हशरात, यानी के कीड़े मकोड़े। सब लोगों ने ये लिख लिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनिमल्स, ए एन आई एम ए एल एस, एनिमल्स। एनिमल्स का क्या मतलब होता है? जानवरों, जीम अलिफ नून वाओ रे वाओ नून गुन्ना, जानवरों। ठीक हो गया। इसके बाद नंबर थ्री पर हमने लिखना है ब्रीद, बी आर ई ए टी एच, ब्रीद, ई, बी आर ई टी एच ई, ब्रीद। ब्रीद का क्या मतलब होता है? सांस लेना, सीन अलिफ नून सीन सांस, लाम ये नून अलिफना, सांस लेना। ठीक है, नंबर फोर पर है हमारे पास गिल्स, जी आई डबल एल एस, गिल्स।
गिल्स का क्या मतलब होता है? गलफड़े। अब गौर से देखिए, मैं गलफड़े कैसे कह रही लिख रही हूँ, पहले गाफ, फिर लाम, लाम के बाद आप थे का दंदाना बनाएंगे, फिर थे के बाद ये, और फिर रे। गलफड़े, गलफड़े क्या होते हैं? वो सुराख जिनके ज़रिए से फिश सांस लेती है। तो आज का हमारा काम यही चार वर्ड्स हैं, आप लोगों ने इन चारों वर्ड्स को अच्छी तरह से याद करना है, याद करके इनको प्यारा प्यारा करके अपनी नोटबुक पे लिखना है, और फिर उसके बाद वीडियो बनाकर आप सब लोगों ने मुझे सेंड भी करनी है, ठीक है वन क्लास। ओके बच्चों, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है चोरी के बारे में, थेफ्ट। बेटा हम सब लोगों को पता है कि चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है और इसकी सज़ा इस्लाम में हाथ काटना होती है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि चाहे जो कुछ हो जाए, छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, कभी भी चोरी ना करें। इसी के साथ सबको अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।